अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरे किसानों का 10 दिवसीय आंदोलन शुरू हो चुका है। आज से शुरू हुए आंदोलन का असर राजधानी के चोमू फल सब्जी मंडी में भी देखने को मिला और वहां दर्जनों किसानों ने प्रदर्शन किया है। किसानों ने इस आंदोलन को फल सब्जी मंडी व्यापार मंडल ने भी समर्थन दिया और 5 जून तक मंडी बंद रखने का ऐलान किया गया है। चोमू सब्जी मंडी में 5 जून तक फल सब्जी मंडी में किसी भी तरह से फल सब्जी की खरीद फरोख्त यहां पर नहीं होगी। हड़ताल के दौरान शहरों में दूध और सब्जियों की जो सप्लाई है उसको बंद करने का ऐलान किया गया है। किसानों का नेतृत्व कर रहे राजस्थान विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सीवी यादव ने बताया कि किसानों की समस्याओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसके चलते किसानों को मजबूरन हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ा है। यादव ने यह भी बताया कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी करने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर किसान 10 दिन तक हड़ताल कर रहे हैं और शहरों में ना तो दूध की सप्लाई कर रहे हैं और ना ही सब्जी और फसल को बेचने मंडी लाया जा रहा है। फल सब्जी मंडी के अध्यक्ष दिनेश गौरा ने कहा कि यह आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है, किसानों का आंदोलन है, इसलिए मंडी के व्यापारियों ने आंदोलन को समर्थन दिया है। आवाज अन्नदाता की है और दर्द भी अन्नदाता का है, इसलिए समर्थन में व्यापारिक मंडल और सभी संगठन जुटे हैं। ये किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये स्वयं किसानों का बनाया हुआ आंदोलन है और अगर इस आंदोलन के माध्यम से सरकार कोई किसानों के हित में नई योजना किसानों के पक्ष में लाती है, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे सब्जियों के भाव निर्धारित करने की बात हो, चाहे अनाजों के भाव निर्धारित करने की बात हो, तो किसान मेरे सब्जी मंडी के सभी किसान भाई ने व्यापार मंडल ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया है कि हम भी इस आंदोलन में किसान होने के नाते, किसानों के सहयोगी होने के नाते हम भी आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएंगे और आने वाले 5 तारीख तक हम किसी प्रकार की सब्जी न तो लाएंगे और न ही उसका बेचान करेंगे। आज पहले दिन किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर के किसान सेनाएं जगह जगह बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से किसानों से निवेदन किया और उस निवेदन का परिणाम यह है कि सारी डेयरी जितनी भी डेयरी है उन्होंने दूध को रोका है। आज सबसे बड़ी बात यह हुई है कि चोमू के व्यापार मंडल ने एक सामूहिक निर्णय लिया है कि 4 दिन तक पहले क्रमिक रूप से 4 दिन तक देखा जाएगा, 4 दिन तक मंडी पूरी तरह से बंद रहेगी और 4 दिन के बाद में आंदोलन की अग्रिम रूपरेखा तय।